हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2018 में जो पेपर हुआ, दो पेपर को मैंने लिया। इस दो पेपर में मैंने क्या देखा कि कौन से सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन आ रहा है प्रत्येक एग्जाम में। पिछले जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था 1,00,000 पोस्ट ग्रुप डी के पोस्ट, 1,05,000 पोस्ट के लिए, तो इसमें जो पेपर आया टोटल 135 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 100 नंबर का एक पेपर होता है, 90 मिनट का समय मिलता है आपको, ऑनलाइन एग्जाम होती है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें मैंने क्या देखा कि कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। वैसे और सब यूट्यूब चैनल पर जो चल रहा है उसको मैंने देखा, फिर मैं आपकी तैयारी को देखा, फिर देखा पेपर किस तरह से पूछ रहा है, फिर स्टूडेंट का रिजल्ट को देखा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को निष्कर्ष निकाल के ये लाया हूँ कि आप लोग किस तरह से आप तैयारी करें, कौन से पेपर को ज़्यादा फोकस करें। मैंने देखा स्टूडेंट को कि वो जीके पेपर ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। वही सब चीज़ यहाँ पर क्लियर होगा अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे अभिषेक कोचिंग यानी ABX कोचिंग को सब्सक्राइब कर लिए होइएगा। और फिलहाल आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे और देखते हैं वो टॉपिक है क्या। तो देखिए, ये रहा आपका पेपर, ग्रुप डी पेपर 2018। तो देखिए यहां पे ग्रुप डी का जो पेपर है, ग्रुप डी पेपर 2018, मैंने यहाँ पे दो डेट लिया, 17 सितंबर और 8 अक्टूबर के दो पेपर को मैंने लिया। वैसे ये एग्जाम हुई थी वो 3 महीने तक चली थी, टोटल 135 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। और पहला देखिए, 17 सितंबर और 8 अक्टूबर के दो पेपर को मैंने लिया था। सब्जेक्ट जो आपसे पूछा गया था आपका, देखिए मैथ है, रीजनिंग है, फिर देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। सब्जेक्ट के वैल्यू के अनुसार मैंने यहाँ पर लिखा है बायोलॉजी और करंट अफेयर्स जीके पेपर। यानी ये मैंने एक दो तीन चार पाँच छः और सात पेपर मैंने बनाया। इस सात पेपर में से देखिए कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो 17 सितंबर और 8 अक्टूबर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप यहाँ पे देखिए। तो मैथ में से क्वेश्चन पूछे गए 26 क्वेश्चन था 17 सितंबर का, और 8 अक्टूबर में था 28 क्वेश्चन। 17 सितंबर रीजनिंग में 28 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग मतलब दोनों डेट में 28 क्वेश्चन। फिर देखिए फिजिक्स में 11 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 13 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में देखिए 6 क्वेश्चन और बायोलॉजी में देखिए 5 क्वेश्चन। फिर देखिए करंट अफेयर्स में 14 क्वेश्चन और इसमें भी 14 क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए जीके में 7 क्वेश्चन और यहाँ भी देखिए 7 क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कि किसमें कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए मैथ, रीजनिंग, आप लोग तो बस तीन सब्जेक्ट को जानते हैं, मैथ को, रीजनिंग को, साइंस को, मैथ रीजनिंग और जीके, यही तीन सब्जेक्ट जानते हैं ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सब सब्जेक्ट अलग अलग हो गया सब्जेक्ट के वैल्यू के अनुसार। देखिए मैथ अलग, रीजनिंग अलग। तो देखिए मैथ और रीजनिंग में देखिए 17 सितंबर में क्या निकाल, 8×6=54 क्वेश्चन और इसमें 56 क्वेश्चन, यानी कि 55 क्वेश्चन एवरेज बना लीजिए आपका 55 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग दोनों में से मिला के पूछेगा। 27-28 नंबर का मैथ और 27-28 नंबर का रीजनिंग भी आएगा, 30 नंबर टच नहीं का, यानी आपको 55 नंबर मैथ प्लस रीजनिंग हो गया। 100 में से 55 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग, 27-28 का एवरेज आपको लेके चलना होगा। अब देखिए जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, अब देखिए साइंस पेपर। अब देखिए जीके जो पेपर पहले आप पढ़ रहे थे उसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया, तीन भाग में एक्चुअली मैंने डिवाइड किया। एक आपको हो गया साइंस पेपर, आर्ट पेपर और करंट अफेयर। साइंस पेपर, आर्ट पेपर और करंट अफेयर, साइंस पेपर को मैंने अलग अलग लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखिए फिजिक्स में से 11 क्वेश्चन और फिजिक्स में से 13 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन का एवरेज बना। केमिस्ट्री में से 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन का एवरेज बना, और बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन का एवरेज बना। तो देखिए फिजिक्स में से आपको 11-12 क्वेश्चन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला करके आपको 8×6=11, 8×14=11, 25 और 10=13 यानी कि 25 और 23 यानी कि कम से कम 24 क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलके पूरा देगा। आपको 55 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग और 25 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको कितना हो गया 55 और 25 यानी 80 क्वेश्चन। अब देखिए अब इस 80 क्वेश्चन, उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, 14-15 लगभग 14 क्वेश्चन पूछ रहा है, 13-14-15 यानी कि 14 दोनों पेपर में 14-14 क्वेश्चन है। तो आपको देखिए 13 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आपका करंट अफेयर्स पूछ रहा है, और यही चीज़ आपको जितने भी पेपर हुआ है सब में आपको देखने को मिलेगा। तो 14 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स,
फिर देखिए जीके पेपर जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर, सुनकर के आश्चर्य लग रहा है, सुनकर के आश्चर्य, 7 नंबर करंट अफेयर्स में से, सॉरी जीके में से। जबकि देखिए इस 7 क्वेश्चन के लिए आपको क्या सब पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स बेस, उसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इसके अलावा आपको बेसिक साइंस, सॉरी इसका बेसिक जीके और गेम जीके, लगभग हमें 8 पेपर, 8 पेपर में से सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री में से 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में से इसमें था 0 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में भी 0 क्वेश्चन था, पॉलिटिकल में से 2 क्वेश्चन था, और बेसिक क्वेश्चन बेसिक में से आपको 3-4 क्वेश्चन था। इसमें भी बस वही बात है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से बस 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, पूरा हिस्ट्री में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। जबकि स्टूडेंट जो देख रहा था, मैंने देखा बहुत सारे वाईफाई स्टडी या फिर और भी इस तरह के बहुत सारे चैनल है, वो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को सेम वैल्यू के अनुसार पढ़ा रहे हैं, तो आप भी उसी तरह पढ़ाई कीजिएगा, आप भी लुसेंट एसपीडी पढ़ के जाइएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो इस सब चीज़, जबकि ये सब चीज़ आपके एग्जाम में पूछता ही नहीं। आपको क्या पूछता है, इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर मैं अपना बताता हूँ कि आपको क्या सब पढ़ के जाना है। तो अब आप देखिए आपको तैयारी किस तरह से करनी है, आपका मेन जो सब्जेक्ट हो गया वो आपका हो गया मैथ प्लस रीजनिंग 55 नंबर, मैथ में देखिए आपको पढ़ना है 32 चैप्टर और रीजनिंग में देखिए आपको पढ़ना है 30 चैप्टर, यानी कि आपको लगभग में जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि मैथ प्लस रीजनिंग 55 क्वेश्चन और इस 55 क्वेश्चन एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको इसी तरह से तैयारी करनी है, आपके लिए सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या हो गया, मैथ और रीजनिंग। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट बन जाता है वो है साइंस, साइंस में भी देखिए उसका फिर देखिए साइंस है, साइंस में भी देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। फिजिक्स में से 11-12 क्वेश्चन, यानी कि तीनों मिला करके आपको देखिए ये जो तीनों पेपर है, इस तीनों पेपर को मिला करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 25 क्वेश्चन। अब देखिए आपको तीनों पेपर को मिला करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कितना, 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है। अब देखिए इस 25 क्वेश्चन के लिए आपको फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में से आपको लगभग 12 क्वेश्चन और ये दोनों मिला करके 12 क्वेश्चन, यानी कि आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, यानी फिजिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, यानी साइंस का आधा क्वेश्चन फिजिक्स में से और केमिस्ट्री बायोलॉजी में से आधा क्वेश्चन, तो आपका ये रहा। उसका देखिए आपका फिर से आपका देखिए मैथ रीजनिंग और साइंस पेपर आपका हो गया। अब देखिए आपका करंट अफेयर्स का जो पेपर है इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 14 से लेकर के 15 क्वेश्चन, यानी कि 14 या 15 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो इसमें से देखिए 14 या 15 क्वेश्चन और इसमें से आपको पिछले 12 महीने का आपको तैयार करना है। तो इस सब को कैसे आपको करना है उसका फिर देखिए आपका जो अब जीके में देखिए कितने सारे पेपर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, बेसिक है, कंप्यूटर है, इसके अलावा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और गेम है, यानी देखिए 7-8 पेपर में से सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर का ही पूछ रहा है एग्जाम में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीके पेपर को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़िए, आप जीके पेपर को बिल्कुल भी मत पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ना बिल्कुल अथाह है। आप 3-4 साल भी समय दे दीजिएगा इसको भी, तब भी आपका 100% नहीं हो पाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन पूछ रहा है जीके पेपर में से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब, ये पूरा सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन। मैं आपको क्या बोला, तैयारी कब कैसे करनी है, आपको 100 क्वेश्चन पूछ, इसमें से वैसे भी आप इसको पढ़ के जाइए या फिर नहीं जाइए, आसान सा क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो आपको क्या 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल आराम से बन जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएगा। 1 या 2 नंबर के लिए आप अपना फालतू का समय मत गवाइए। आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा पूरा का पूरा फुल फोकस करना है मैथ और रीजनिंग पे। मैथ और रीजनिंग अच्छी तरह से कवर कीजिए, साइंस को कवर कर लीजिए, करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए, ये आपका टाइम बर्बाद कर देगा। अब आप देखिए, आपको हम बता रहे हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सब करंट अफेयर्स की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, ये चीज़ मैं पेपर को देखा उसके बाद मैं ये सब चीज़ बता पा रहा हूँ आप लोगों को। तो अब देखिए इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है,
तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम अभिषेक है और मैंने 2014 में लोको पायलट किया था, फिर 2016 एसएससी, फिर 2018 लोको पायलट। मैंने ये सब चीज़ को छोड़ करके मैं आप लोगों के पीछे मैं लगा हुआ। मैं ये सब चीज़ के लिए मैंने किताब लिखी, बुक्स, जिसका कि नाम है मास्टर नोट्स। मास्टर नोट्स पब्लिकेशन, मास्टर नोट्स पब्लिकेशन की आप बुक लीजिए, मैथ्स जीरो लेवल, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स। आपको जो चीज़ का ज़रूरत है वही सब्जेक्ट आप पढ़िए, आपको फालतू चीज़ रखना नहीं है। आपको देखिए मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स इतना ही पढ़ना है। इसमें से आपका 93 नंबर कंप्लीट होगी, यानी कि 93 नंबर का ये सब चीज़, ये पूरा आपको 93% नंबर आपको करना है। अब देखिए इस मास्टर नोट्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स ये चारों में से जो पेपर आपको क्वेश्चन कितना लगभग में आएगा, 25-40 क्वेश्चन, इस 40 क्वेश्चन में से आपका लगभग मैं आपको 90% क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स में टैली करता है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब के सब आपको 90% तक, यानी 90% तक, 90% तक क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में से ही पूछे गए। 9 चौक 36, यानी कि 40 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन जो है वो हमारे नोट्स से बिल्कुल हूबहू टैली करता है। तो इस 36 क्वेश्चन में से आप बस एक या दो बार पढ़िएगा नोट्स को, वो ईजिली याद हो जाएगी। तो आपको ये पढ़ करके ईजिली आप निकाल सकते हैं पेपर को। उसके बाद देखिए, तो यानी कि 40 में से 36 क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में से टैली हो रहा है। और अब रही बात मैथ और रीजनिंग का, इसका सॉल्यूशन हम कहाँ से करें, कैसे इसको पढ़ाई करें, तो अब देखिए इसको भी पढ़ने का तरीका क्या है। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो अपना मन से सेट किया जाता है, वो कहीं से मैथ और कोई जीके साइंस तो है नहीं कि उसका कोई क्वेश्चन बनेगा, उसका टाइप होती है। तो अब देखिए पहले हम बात करते हैं मैथ के लिए। अब देखिए पहले हम बात करते हैं आपको मैथ के लिए, तो मैथ और रीजनिंग, मैथ में देखिए आपका 32 चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपको 27-28 नंबर कवर करता है। प्रत्येक टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन आपका पूछेगा, लगभग में इसमें 27-28 चैप्टर में से 19 या 20 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, किसी में दो या तीन क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो अब देखिए, तो इसको पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर टाइप को टैली कराना होगा, टाइप को टैली करना है, और मेन आपका होता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज। यानी कि आपको मैथ के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जानबूझ करके छोड़ना भी पड़ता है, ऐसा तैयारी में हम बताते हैं स्टूडेंट को कि आप मैथ के क्वेश्चन को जाकर के छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिए उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल देखिए टाइप, यानी कि जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है 100%, यानी कि आपको 100%, यानी आपको मैथमेटिक्स में से 100% टाइप जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब के सब हमारे नोट्स जो मैंने लिखा है मैथ जीरो लेवल, इसमें से आपको टैली होगा। यानी कि जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है सभी टाइप के क्वेश्चन आपको हमारे मैथ के नोट्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, बस आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है, बस उसी को बस एक या दो बार बना लेना है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैथ आपको 28 में लगभग 25 या 24 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, और आप इजिली आप निकाल सकते हैं। अब देखिए रीजनिंग में भी वही बात है, रीजनिंग में भी आपको लगभग 95% जो टाइप है वो सब का सब हमारे नोट्स में से आपको बिल्कुल टैली कर जाएगा, और आप वहाँ से भी 28 नंबर में से 23-24 नंबर आप इजिली ला सकते हैं। तो आपका ये रहा आपका फुल एनालिसिस की आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स जीके को पढ़ना नहीं है, क्योंकि 7 नंबर ही पूछ रहा है, 7 नंबर में से आपको 3-4 नंबर तो वैसे भी आ ही जाएगा, इजी क्वेश्चन पूछता है, और कितना भी पढ़ लीजिए इतना ज़्यादा आपको कवर होगा नहीं। तो 93 क्वेश्चन यानी 93 क्वेश्चन आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स में से आ रहा है। ये सब के लिए आपको हमारा मास्टर नोट्स को आपको लेना पड़ेगा, और इस मास्टर नोट्स में सभी आ रहे हैं, और इसको मैंने काफ़ी मेहनत से तैयार किया है, इतने साल मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, तो आप इजिली आप इसको लेकर के एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि इस मास्टर नोट्स को, और इस मास्टर नोट्स के बाद एक ऐसा कोचिंग है जो कि एबीएक्स कोचिंग। तो अब देखिए आपको एबीएक्स कोचिंग, इस एबीएक्स कोचिंग, इस एबीएक्स कोचिंग को आप डायरेक्ट आइए हमारे हॉस्टल में, डायरेक्ट कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग,
ऑनलाइन कोचिंग आपके व्हाट्सएप पे, आपके व्हाट्सएप पे आपको सभी टॉपिक का, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स का सबका आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। एक चैप्टर के लिए एक वीडियो, उस वीडियो को बस आप एक बार देख लीजिए, आपका पूरा तैयारी होगा। उसके बाद उसका आप देखिए, यानी आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो लिंक देंगे, उस वीडियो को देख करके आप इजीली सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं, या फिर आप हमारे डायरेक्ट कोचिंग में आइए, हॉस्टल में आइए और आप यहां से तैयारी कर पाएगा। अब रही बात इसका कितना फीस आपको लग जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितना फीस लग जाएगा। तो देखिए टोटल जो फीस है वो टोटल फीस मैंने स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया था 10,000, लेकिन अभी मैं आपको स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको मैं 2,000 रुपये में ऑनलाइन कोचिंग और प्लस नोट्स में दे रहा हूँ। अभी मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ और ये 2,000 रुपये का फुल नोट्स आपके घर पर पहुँचेगा, स्पीड पोस्ट से आपके घर पर ये नोट्स पहुँचेगा। स्पीड पोस्ट से आपके घर पे ये सभी नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएगा 3 से 4 दिन में, और ये मैं आपको ओनली 2,000 रुपीज में स्पेशल ऑफर के तहत आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप इस ज़्यादा ज़्यादा संख्या में इसको लीजिए, अपने दोस्तों को भी लेवाइए और आप बस एक या दो बार पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। और साथ में आपको बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन कोचिंग में आपको दे रहा हूँ। अब जो स्टूडेंट 2,000 रुपये खर्च नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक तरीका और भी है कि इस नोट्स को पाने का, उसमें उसको खर्च करना पड़ेगा ओनली 1,000 यानी 1,000 रुपये, जिसमें कि उसके पास नोट जो है स्पीड पोस्ट से नहीं पहुंचेगी, वो नोट्स उसको मिलेगा पीडीएफ में, पीडीएफ में नोट्स मिलेगा। पीडीएफ को डायरेक्ट पढ़ लीजिए अपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, या फिर आप इस पीडीएफ को अपने घर पे भी प्रिंट करके निकाल सकते हैं और आप वहां से तैयारी कर लीजिए। और सबका आपको वीडियो, तो यानी कि आपको फुल एंड फाइनल रूप से तैयारी के लिए क्या करना पड़ा, आपको तैयारी के लिए करना क्या पड़ा, आपको तैयारी के लिए आपको नोट्स और प्लस नोट्स प्लस वीडियो, इसको आप लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल इजी हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी और आपके रिजल्ट की 100% गारंटी होगी। तो आपको ये रहा आपका फुल तरीका, आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए 8406891116। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पता चल जाएगी कि इसको कैसे फ्री पेमेंट करना, जो भी हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और एनटीपीसी का बहुत ही जल्द इसी तरह का वीडियो आएगा जिसमें कि मैं एनालिसिस करूँगा, और तो इसके लिए भी आप हमें लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हम आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी सब कुछ आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम पता चलते रहेगी। थैंक यू सो मच, आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।